हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एम्पलीफायर का कैसे केयर रखे, आपका एम्पलीफायर कैसे ज्यादा दिन तक चले, क्योंकि एम्पलीफायर को अगर आप ज्यादा ख्याल रखेंगे तो एम्पलीफायर आपका ज्यादा दिन तक साथ देगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे एम्पलीफायर में हर किसी ट्रांजिस्टर हो, एम्पलीफायर हो और म्यूजिक सिस्टम हो वगैरह वगैरह जो भी हो, म्यूजिक के मामले में जो एम्पलीफायर वगैरह होता है तो उसके बारे में मैं यहाँ पे कैसे केयर करेंगे उसको डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहला जो बात आती है, आप कभी भी एम्पलीफायर का फुल साउंड पर पावर ऑन मत कीजिए। मतलब ऐसा कि आपका अगर एम्पलीफायर साउंड फुल दिया है और आप डायरेक्ट पावर ऑन किया तो उस केस में आपका एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है या फिर आईसी खराब हो सकता है। तो पहले आप उसका वॉल्यूम को घटा लीजिए, उसके बाद ऑन कीजिए। उसके बाद बारी आती है आपका, अगर एम्पलीफायर आप नया कनेक्ट करो तो जब आप उसका स्पीकर कनेक्ट करे तो पूरा जो हमारा एम्पलीफायर है उसको आपको ऑफ कर देना है, उसके बाद ही आपको स्पीकर कनेक्ट करना है। आपका वॉल्यूम फुल या फिर आधा रहने के बाद आप कभी भी स्पीकर का कनेक्ट मत कीजिए, तब आपका एम्पलीफायर का आईसी वगैरह खराब हो सकता है। क्योंकि अगर वहाँ पे लूज कनेक्शन हुआ तो एक स्पीकर होता है एक इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर के वजह से यहाँ पे हाई स्पार्किंग वोल्टेज होगा, उससे हमारा आईसी खराब हो सकता है। उसके बाद हमारा बारी आती है, अगर आपका एम्पलीफायर ज्यादा हीट हो रहा है तो आप उसको बंद रखें। हाँ, कैसे पता करें कि ये ज्यादा हीट हो रहा है? नॉर्मली आप जहाँ पर हाथ दे सकते 30 सेकंड के लिए आप अगर वहाँ पर हाथ रख सकते हो उसका बाहर की तरफ, आप डायरेक्ट वहाँ पे कॉम्पोनेंट पर नहीं हाथ देंगे, आप बाहर की तरफ अगर आप वो लकड़ी हो या फिर मेटल हो उसके ऊपर आप अगर हाथ रख सकते हो तो वो सही है, क्योंकि वो उतना हीट होता है। अगर वो क्लास डी है तो वहाँ पे कम हीट होगा, लेकिन क्लास बी अगर हुआ तो वहाँ पे आपको हीट मिलता है, ज्यादातर वहाँ पे हीट होता है। तो उसके बाद बारी आती है आपका, अगर एम्पलीफायर का कुछ पोर्शन खराब है, लाइक आपका अगर होम थिएटर या फिर म्यूजिक सिस्टम या फिर एम्पलीफायर का एक हिस्सा अगर खराब है, आपका अगर 5.1 होम थिएटर है तो उसका अगर एक स्पीकर नहीं चल रहा है तो आप पूरा सिस्टम को ही बंद रखें। आप पहले उसका रिपेयर करें उसके बाद चलाइए। और एम्पलीफायर के लिए ऐसा भी, आपका अगर कोई कंपोनेंट स्पीकर वगैरह या फिर ट्यूटर वगैरह अगर नहीं चल रहा है तो आप पूरा ही उसको बंद रखें, उसके बाद उसका रिपेयर करें, उसके बाद उसको रन करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई कई बार आपका स्पीकर वगैरह या फिर आपका एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाता है, तो उस कारण क्या होता है जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म या फिर आईसी है, तो अगर आपका स्पीकर शॉर्ट हुआ तो आईसी पर लोड पड़ेगा तो आपका आईसी खराब हो जाएगा, अगर आईसी खराब हुआ तो हमारा ट्रांसफॉर्म पर लोड पड़ेगा तो ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पे खराब हो सकता है। तो एक आईसी खराब होने की वजह से या फिर एक स्पीकर खराब होने की वजह से हमारा पूरा और जो कंपोनेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आपका अगर कोई भी डिफेक्ट मालूम हो कि ये स्पीकर नहीं चल रहा है तो आप पूरा सिस्टम को बंद रखिए और पहले इसको रिपेयर कीजिए। तो उसके बाद बारी आती है, आप कभी भी एम्पलीफायर को लो वोल्टेज पर मत चलाइए, या फिर वोल्टेज अप डाउन हुआ तो तब आप एम्पलीफायर को मत चलाइए। लो वोल्टेज ज्यादातर हमारा अगर एसएमपीएस हुआ तो लो वोल्टेज पर आपको खास फर्क नहीं पड़ता अगर साउंड के मामले में बात करें, लेकिन यहाँ पे आपका जो एसएमपीएस है उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ती है। वैसे ही हमारा एम्पलीफायर काफी कभी ज्यादा कभी कम लोड लेता है उसका बेस और उसका साउंड के मुताबिक, लेकिन जब लो वोल्टेज होता है उसके ऊपर क्या होता है उसका जो एम्पियर है वो ज्यादा कंज्यूम करता है, तो इस केस में आपका एसएमपीएस खराब हो सकता है। अगर वोल्टेज अप डाउन हुआ तो यहाँ पे और भी चांसेस है कि आपका एम्पलीफायर का एसएमपीएस या फिर मेन बोर्ड खराब हो जाए। उसके बाद बारी आती है हमारा एम्पलीफायर का एसीओआर, जो हमारा मेन पावर सोर्स होता है, वो कभी भी लूज मत रखिए। अगर आपका पावरफुल एम्पलीफायर हुआ तो यहाँ पे आप अगर लूज रखेंगे तो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होगा उससे आपका एसएमपीएस या फिर आपका मेन जो एम्पलीफायर के लिए बोर्ड हुआ है वहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है। फ्लक्चुएशन से आपका जो वोल्टेज है वो अप एंड डाउन होता है, कभी कभी जो नॉर्मल वोल्टेज है उसका जो स्टेबल वोल्टेज है उससे कभी कभी ज्यादा आ जाती है, इस केस में आपका एम्पलीफायर का बोर्ड या फिर एसएमपीएस खराब हो सकता है। तो यही कुछ हमारा पॉइंट है, आप इसको अगर ध्यान रखेंगे आपका एम्पलीफायर बहुत दिन तक चलेगा और आपका एम्पलीफायर लॉन्ग यूज के लिए परफॉर्म कर पाएगा। तो आज के लिए वीडियो के यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए
और आपको कोई लगता है कि ये यहाँ पे आप पॉइंट मिस कर गए तो नीचे सजेस्ट कर सकते हो। आज के लिए यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, बाय।